wide open, darkness closing. Just stay focused, I'm not folding. I'll upset you, cause I'm just too dangerous. I'm dangerous. Hello and good morning and welcome back to the new video of this channel. आज का दिन शुरू हो चुका है और आज के दिन में सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं और उससे मेरा मतलब है कि हमें अपना रेंट भरना है. मतलब अभी मुझे अपना रेंट भरना है. सबसे पहले रेंट का पोर्टल खोलते हैं और उसके बाद रेंट खत्म कर देते हैं. अगर मैं थोड़ा चड़बड़ कर रहा हूँ ना तो इसलिए क्योंकि ये जो कॉफी है ना ये इतनी ठंडी होती है कि इसका एक सब लेने के बाद ही जो मेरी जीभ है वो इतनी ठंडी हो जाती है जिसकी वजह से वर्ड जो है वो गुजर गुजर हो जाते हैं. तो ये बस सुबह सुबह थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके अलावा ऐसे कोई खास प्रॉब्लम है नहीं मुझे. वाह, क्या कॉफी बनाता हूँ मैं, एकदम जग जाता हूँ कॉफी बनाने के बाद, यार मजा आ जाता मुझे. वो अब काफी पैसे मैंने खर्च कर लिए और पैसों को वापस कमाने के लिए अब हमें काम करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कॉलेज के असाइनमेंट से, क्योंकि वो बोरिंग है तो फटाफट से उनको खत्म करते हैं. भाई साहब बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है. मैं बता भी नहीं सकता कितनी ठंड हो रही है, मुझे पता नहीं था इतनी ठंड है. और मैं हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के निकल चुका हूँ, तो अब ठंड में जा रहा हूँ मैं. हेलोइन आने वाला है भाई साहब. यार मैं चिप्स लेने आया था पर चिप्स है ही नहीं जो मुझे चाहिए और सब लुटा पुटा है सामान, सब लुट गया है यहाँ. इतना खाली क्यों है ये सब, क्या सीन है? लगता है स्टॉक आने वाला होगा, अभी स्टॉक नहीं आया, नया नए चिप्स लेंगे, अभी है ही नहीं तो क्या कर सकते. एक तो मैंने ये ले लिया है, ये मैंने कभी खा के तो नहीं देखा है, तो आज पहली बार लूंगा और देखूंगा खा के कि ये कैसा होता है. मैंने मसाला ओट्स खाए हैं पर ये मसाला नहीं है, ये कोई ओरिजिनल फ्लेवर है, तो शायद मीठे होंगे क्योंकि इस पे फ्रूट डले हुए हैं. तो हम मीठे ओट्स खा के देखेंगे कि ये कैसे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में काम आएंगे. कुछ तो सीन है भाई, ये कहाँ है सब सामान, कहाँ गया इसका. अब हमें ब्रेड भी चाहिए, कौन सी वाली लें. ब्रेड भी ले ली, पहाड़ होते हैं इनके ग्रेप्स. केले कौन से अच्छे लग रहे हैं कैसे पता चलेगा, ये ले लेते हैं. मैंने थोड़े कच्चे केले ले लिए हैं ताकि वो पक जाएं ओवर टाइम. ये एग्स की एक बड़ी ट्रे होती है, बड़ी वाली नहीं है, छोटी वाली ले लेते हैं. दूध भी हो गया, सोच रहा हूँ जैम भी ले लेता हूँ. लेकिन यहाँ पे ना ये नहीं पता कि जैम का कौन सा ब्रांड बढ़िया है. अब यहाँ पे किसान तो है नहीं तो पता नहीं कौन सा जैम लेना चाहिए मुझे, देखते हैं. ब्रेड ले ली ना तो कभी कभी छुटपुट भूख लगेगी तो ब्रेड जैम खा सकते हैं. फलानी कंपनी का ले लिया है मैंने अब, क्योंकि पता तो है नहीं कौन सा बढ़िया है. एक ये बहुत चलता है यहाँ पे, तो ये भी लेके देखते हैं मैक एंड चीज कैसा है. खाली 99 सेंट्स का है. हाँ, मैंने ट्रॉली ले लेनी चाहिए थी, तो बहुत भारी हो गया है. टारगेट में वापस आ चुका हूँ घूम फिर के मस्त, और बेसिक सामान लेने के बाद वैसे तो लूटा पुटा टारगेट था, पता नहीं स्टॉक की उतना खाली था, चिप्स भी लेते पर चिप्स नहीं मिली जो मुझे चाहिए. और मैंने दिखा भी है मैंने क्या क्या लिया है, तो अब इस सब सामान को ठिकाने लगाते हैं. लेकिन अब ऐसा है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा सामान हो चुका है, तो मैं ना खाली ये सामान और खाना रेडी टू ईट और ऐसे वाले खाने बस लेके आए चले जा रहा हूँ और स्टोर करे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब मेरा मेहनत करने का मन नहीं होगा या मैं बहुत थका रहा हूँ तो मैं फटाफट से ये वाले टाइप का खाना बना लूंगा. लेकिन मैं हमेशा ऐसी खुद ही कुछ बना लेता हूँ घर टाइप का, तो ये सब कंज्यूम ही नहीं हो रहा. तो अब मुझे रुकना पड़ेगा, अब मुझे ये वाला खाना नहीं लेना क्योंकि मेरे पास बहुत सारा हो गया और ये सिर्फ स्टैक हो जाने जा रहा है, ये यूज नहीं हो रहा है. अब कुछ भी नया नहीं खरीदना हमें इस टाइप का. फिलहाल खाने की बात करते करते भूख लग चुकी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ कॉफी पी. फटाफट से अब खा लेते हैं. तो वैसे तो जो कुकर है जिसके अंदर मैं खाना बनाता हूँ उसको यूजुअली मैं जो है वो हाथ से ही धो देता हूँ, मतलब हाथ और एक ये डिवाइस है, ये टूल है हमारे पास, इस टूल की मदद से मैं धो देता हूँ कुकर को अपने. लेकिन इस बार मैंने क्या किया, मैंने रिंस करके डिश वॉशर में डाल दिया, तो मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ ऐसे, पर ये सिल्वर कलर का था और अब ये इस कलर का है यार, ये कॉपर गोल्डन टाइप्स, लेकिन अंदर से थोड़ा थोड़ा सिल्वर है, ऐसा ऐसा हो चुका है ये. आखिर ऐसा क्यों हुआ है ये, मम्मी से पूछना पड़ेगा कि क्या सीन हुआ है. मम्मी को वीडियो कॉल करके, ये अभी भी यूज करने लायक है या इस, मतलब इसकी त्वचा में कुछ कमी आ चुकी है बेसिकली, तो इसको पता नहीं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा आप कुकर को. कमरे की सफाई भी कंप्लीट हो गई यार, जस्ट संडे थिंग, संडे को टाइम मिलता है थोड़ा एक्स्ट्रा तो ये सब भी कर लिया जाता है. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो ये है कि हमें फटाफट से अपने रेज्यूमे को बहुत सारी जगहों पे भेज देना है, और वो ऐसे ही नहीं भेज सकते, उसमें क्या है कि हर जॉब के हिसाब से, हर इंटर्नशिप के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि जो कीवर्ड्स है वो मैच करे, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा पहले तुम्हारा रिज्यूमे नहीं देखता है. यहाँ पे ATS करके कोई चीज होती है, ठीक है, वो लोग क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू स्कैन करते हैं तुम्हारा रिज्यूमे, और जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली और जो तुम्हारे रिज्यूमे में कीवर्ड्स हैं वो जब मैच होंगे दोनों आपस में तो ही वो जो है रिज्यूमे जो है वो आगे फॉरवर्ड करता है. तो बेसिकली एक ऐसे डिटेक्शन होता है, एक स्कैन होता है, एक AI की मदद से ये फिल्टर आउट करते हैं, क्योंकि बहुत करोड़ों रेज्यूमे होंगे, करोड़ों में ऑब्वियसली एक्सैजरेट कर रहा हूं, लेकिन करोड़ों रेज्यूमे होते हैं उसमें से ये छांटते हैं ताकि कुछ ही लोग आ पाए. तो बेसिकली फिल्टर आउट करने के लिए और छांटने के लिए और कम करने के लिए रेज्यूमे ताकि उसके बाद मेन बंदा देखे, ये ATS के थ्रू जाता है, तो उसके हिसाब से रिज्यूमे बनाना पड़ता है. तो अब हर जॉब के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. तो चलो फटाफट से ये काम भी निपटा देते हैं. भाई ये तो अपने आप में पूरी दुनिया है यार, मैं पहली बार ये सब कर रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है ऐसे पूरी दुनिया है इसकी अपने आप में. मतलब तुम्हारे पास अगर जो भी रिज्यूमे है फिर तुम उसके बाद जब इसको स्कैन करते हो और उसके बाद जब ऐसे टूल्स का यूज करके वो बताता है कितने परसेंट मैच आ रहा है तुम्हारा, फिर उसके हिसाब से एडिट करना. ओ भाई साहब,
मुझे कोई चाहिए यार अपने साथ जो मुझे इस प्रोसेस के थ्रू मुझे लेके जा पाए एक बार, क्योंकि ऐसे मुझे ज्यादा चीजें समझ नहीं आ पा रही है। पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी मैं कर पा रहा हूँ उतना करूंगा, और उसके बाद हम किसी ना किसी की मदद ले लेंगे ताकि हम इस प्रोसेस में और आगे पहुंचे और बाकी सबको पीछे छोड़ के हम बहुत आगे निकल जाए, क्योंकि जिंदगी में हमें टॉप मारना। हेलो और नमस्ते, तुम्हें तो लग रहा हो कि मैं अभी मिल रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा घंटों बाद मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है वो अपना व्लॉग एडिट कर रहा था और मैंने एक व्लॉग को दो व्लॉग में तब्दील कर दिया है, क्योंकि मैंने बीच में से काट दिया, उन दोनों को अलग अलग कर दिया। चलो मम्मी को वीडियो कॉल कर लेते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि जो कुकर है उसके क्या मामले हैं। फिलहाल मम्मी से कंसल्ट कर लिया गया है और मम्मी ने कहा है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ही जो है इसको घाव लगा है, अंदर से ऐसी कोई इसको कमी पेशी नहीं है, तो हम इस पे खाना बनाना कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें बस इसे एक बार धो लेना है फिर से नॉर्मल तरीके से, जैसे हम नॉर्मल सोप से धोते हैं। तो हाँ, हमारे कुकर के कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। अब मैं ये सोच रहा हूँ इस मोमेंट पे कि भाई मैं इस ब्लॉग का टाइटल और थंबनेल क्या रखूंगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं रखूंगा कि नुकसान हो गया और कुकर के साथ लगा दूंगा और पैसा का कुछ, मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आज के ब्लॉग में मैं क्या रखूँ ऐसा ब्लॉग का टाइटल और थंबनेल। एक तो कल मेरा कॉलेज है और मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि ये सैटरडे संडे आता है ना, तो मैं रात को खींच देता हूँ अपने आप को, तो मैं और काम करता हूँ, तो फिर उस चक्कर में क्या है कि मैं लेट उठता हूँ, उस चक्कर मेरा साइकिल खराब हो जाता है, और फिर जब साइकिल खराब हो जाता है तो फिर मेरे को अगले दिन उठने में प्रॉब्लम आती है, तो एक तरह से साइकिल की जो चेन है वो निकल जाती है, तो उसको दोबारा लगाना पड़ेगा कल मंडे से। Don't fall asleep. Don't wait around.